नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। रीवा से रानी कमलापति स्टेशन भोपाल के लिए साप्ताहिक ट्रेन का रीवा रेलवे स्टेशन से सम्मान पूर्वक शुभारंभ किया गया। समारोह में वर्चुअली शामिल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रीवा रेलवे स्टेशन से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। लेकिन सबसे बड़ा हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब ट्रेन के रवानगी का समय 5 बजे रखा गया था और उसे 2:30 पर ही रवाना कर दिया गया। इस दौरान टिकट लेकर यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्री परेशान होते रहे, जिनमें से महिला और पुरुष भी शामिल थे। वहीं रेलवे अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि उनके साथ ठगी की गई है। पूरे मामले को लेकर स्टेशन प्रबंधक ने भी चुप्पी साध ली। आइए आपको दिखाते हैं टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को, जो पैसा देकर टिकट खरीदा और यात्रा भी नहीं कर पाए। इसके बाद दिखाते हैं स्टेशन प्रबंधक को किस प्रकार से उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध लिया। हो रहे हैं 2:30 ट्रेन छोड़ दी जाती है 5 बजे का टाइम देकर, और लोगों को रिफंड के नाम पे तमाचा मारा जा रहा है। बोला जाता है कि रिफंड नहीं मिलेगा, जाओ। ऐसी कोई व्यवस्था की जाती है क्या? ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया जा सकता है जनता के साथ क्या? यहाँ पर रेलवे के लोग बैठे हुए हैं सिर्फ उल्लू बनाने के लिए, पूरा टाइम से उल्लू बना रहे हैं। ये ट्रेन में जाइए, वो ट्रेन में जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। आप ट्रेन में बैठिए या स्लीपर में जाइए, किसी में जाइए। जिसने टिकट कराया है वो कैसे जाएगा? और कोई जवाबदार आदमी यहाँ पर है नहीं। प्रबंधक इस चीज से बिल्कुल फरार है। प्रबंधक आ ही नहीं रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, और कह रहा है नहीं जाना है। भाई यहाँ पर आपने टिकट का एक व्यवस्था किया है कि टिकट काटा जाए, तो ये टिकट काटने की व्यवस्था या जेब काटने की व्यवस्था है, जरा ये बताएं। आप इसमें किसकी गलती मानते हैं, क्या किसकी जवाबदारी मानते हैं? 2:30 चली गई है, 5 बजे तक ये टिकट बेच रहे हैं उसी ट्रेन का। लोगों को मैसेज आ रहा है कि आपका टिकट कंफर्म हो चुका है। आज 12 फरवरी को शाम 5 बजे के स्पेशल रीवा भोपाल ट्रेन चलाई गई थी। इसकी सूचना हम लोग को IRCTC से मिली, तो हम लोगों ने इसकी बुकिंग की। और जब हम लोग यहाँ पर आए निर्धारित समय पर, तो पता चला कि ट्रेन निर्धारित समय से 2.5 घंटे पहले 2:30 बजे ही रवाना हो गई। इस पर हम लोगों ने जानकारी लेनी चाही तो स्टेशन मास्टर यहाँ से नदारद हैं और सफाई कर्मचारी और पार्सल वाले लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है सीधे कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आप रेवांचल से जाओ, किसी तरह से जाओ, ना कोई एक्स्ट्रा बोगी लगाई जाएगी, ना आपको वहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि निर्धारित समय से पहले ट्रेन चली गई है। और यहाँ से माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी आए हुए थे, उन्होंने रेवांचल को यहाँ स्पेशल ट्रेन को यहाँ से रवाना किया, उसी में बैठ के अपने समर्थकों के साथ भोपाल चले गए। ये पहली बार देखा गया है कि एक ट्रेन को, जो कि एक सरकारी संस्था है, उसको बिल्कुल अपने निजी वाहन की तरह इस्तेमाल करके भोपाल की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया। और गिरीश गौतम जी अपने समर्थकों के साथ उसमें बैठ के चले गए, और जिन्होंने रिजर्वेशन कराया हुआ था वो यहाँ पे दर दर से भटक रहे हैं। किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, ना रिफंड किया जा रहा है, ना लोगों को सीट दिलाई जा रही है। बहुत ही अराजकता का माहौल है, किसी प्रकार की जवाब नहीं दे रही, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। किसी भी प्रकार का कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी तमाम सफाई कर्मचारी जवाब दे रहे थे, पुलिस वाले बोल रहे थे कि भैया 2:30 बजे यात्री गए हैं तो आप पहले क्यों नहीं आ गए, जो हम लोग को जानकारी नहीं दी गई कि भैया ट्रेन 2:30 बजे छूटनी है, तो हम लोग कैसे 2.5 घंटे पहले आ गए। माताएं हैं, बहनें हैं, विकलांग लोग हैं, जिनको इमरजेंसी है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, छात्रों का पेपर है, वो उस चीज से संतुष्टि जवाब नहीं मिल रहा है। और टिकट दे रहे हैं वो, लेकिन कंफर्म सीट नहीं दे रहे हैं। जनरल जैसे सीट बना के दे रहे हैं, अब जनरल सीट इतने फैमिली लेके कौन जाएगा? क्या नाम है आपका? अनिल त्रिपाठी। तो हम लोग को 5 बजे बुलाया गया था कि ट्रेन का टाइम दिया गया था, और ट्रेन 2:30 बजे रवाना कर दी है यहाँ से, जाएँ कहाँ हम लोग? तो इसमें किसकी आप गलती मानते हैं? स्टेशन मास्टर पूछे तो स्टेशन मास्टर काउंटर छोड़ के भाग गए, और ये सहायक स्टेशन मास्टर बोल रहे थे व्यवस्था बना रहे हैं, व्यवस्था कैसे बनी है कुछ संतोषजनक नहीं। बोलो, कोई मैसेज आया था फोन में? मैसेज आया था 3 बजे का, 3 बजे मैसेज आया कि आपकी ट्रेन 5 बजे कन्फर्म है। और फिर ट्रेन 3 बजे चली गई, 2:30 बजे निकल गई, 2:30 बजे निकल गई है। यहाँ पर कोई मैसेज नहीं दिया गया है, यहाँ पर स्टेशन मार्क 02196 स्क्रीन में दिखाओ, ये ट्रेन नंबर 02196 है। 12 तारीख के गेट पे 5 बजे
पाँच बजे इवनिंग में रीवा से हिमाचल था, मेरा भोपाल का टिकट था थर्ड ए सी का, V1 में 1 नंबर। मैं जब ट्रेन के टाइम से 10 मिनट पहले स्टेशन पहुंचा तो आने के बाद पता चला कि ट्रेन तो 2:30 बजे ही निकल गई। अब अपन स्टेशन मास्टर से मिलने आए तो स्टेशन मास्टर पढ़ा रहे हैं यहाँ से स्टेशन से, और जो भी रेलवे कर्मचारी है उनसे जाके पूछा तो उन्होंने बोला सर इसका कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है, आप रेलवे मंत्रालय में बात करो, आप कहीं भी बात करो, हम लोग के हाथ में नहीं है। अभी हम लोग असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से जाके मिले हैं, उनने बोला है कि हम बात कर रहे हैं बट सोल्यूशन उनने भी नहीं दिया है। हम लोगों ने ये बोला है कि हम लोगों को जाना ज़रूरी है भोपाल को, तो जो ट्रेन है आगे की जो ट्रेन है 8 बजे रात की उसमें हम लोग अरेंजमेंट कराए, तो वो बोल रहे हैं कि आपको हम अप्रूव कर देंगे लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगा, मतलब आपको खड़े खड़े जाना पड़ेगा। तो अगर रेलवे का नियम ये है कि अगर पैसेंजर गलती करती है तो रेलवे उसको फाइन करती है, जेल में डाल देती है, बिना टिकट का यात्रा नहीं करने देती है। अगर मेरे पास टिकट है और रेलवे ने गलती किया है टाइम से 2.5 घंटा पहले का और मेरा घर यहाँ रीवा में नहीं, तो यार ट्रेन छूट गई है, 5 बजे टाइमिंग था, 2:30 निकल गई है ट्रेन। 5 बजे का टाइम था और 3 बजे ट्रेन निकल गई, इसमें आप क्या किसकी जवाबदारी मानती है, किसकी गलती मानती है? रेलवे वालों की, वो है आए थे रेल मंत्री नाश्ता पानी करके चले गए हैं। कल एग्जाम है, अब क्या करेंगे आप? देखते हैं धरना करते हैं और क्या। कोई रिफंड मिला है? नहीं अभी तो कुछ भी नहीं बोला रिफंड वगैरह का। ठीक है, क्या नाम है आपका? अंतिमा त्रिपाठी। 5 बजे ट्रेन की टाइमिंग थी, उसमें हम लोगों ने रिजर्वेशन करवाया था और ट्रेन 2:30 बजे चली गई, क्योंकि हम लोगों को कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था इसके लिए, और ट्रेन 2:30 बजे चली गई, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं क्या करें, और कल एग्जाम देना भी जरूरी है, हम लोग को वहाँ जाना है। इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? रेलवे की ही गलती है इसमें, हम लोगों को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था पहले। अब क्या करेंगे, कल एग्जाम है तो अकेले जाने में दिक्कत है, पता नहीं क्या करना है अब हम लोगों को, समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब अगर ट्रेन नहीं आएगी तो नहीं दे पाएंगे, रिजर्वेशन तो दूसरे ट्रेन में मिलना भी नहीं है अब। ठीक है, क्या नाम है आपका? निकिता पांडे। की ट्रेन थी 2:30 बजे 3 बजे चली गई है, 2:30 बजे, तो सर क्या इन लोगों को रिफंड मिलेगा? ये जो सर कुछ तो बताइए। सर यहाँ पर मीडिया आ गया, सर ड्यूटी करना मुश्किल है यहाँ पर, सर काम करें कि हम जाए सर। तो सबको बता चुके हैं यहाँ क्या समाधान हो ही नहीं रहा। अब तो है मेरा से काम। बीस 55 है ना उसका डिपार्चर। पावर काटने चले गए नवीन। सर बाहर हंगामा हो रहा है सर, क्या मामला है? नवीन पावर करने गए, पावर करने चले गए। हम गए ना, कौन कौन गए? प्रियंका गई है और वो गए हैं। सर बाहर हंगामा हो रहा है, क्या मामला है? जानकारी दीजिए सर। ट्रेन छूट गई है 2:30 बजे, उसका टाइम जो था 5 बजे है, जवाब दीजिए। स्टेशन मास्टर कहाँ है? सर 5 बजे का टाइम था, 3 बजे ट्रेन चली गई, सर किसकी जवाबदारी? ग्रीन सिग्नल तो ऑफिस ने दिया होगा ना यहाँ पे, ये सब ठीक है। ठीक है, जवाब नहीं दे रहे हैं सर, कुछ नहीं बोल रहे, जवाब दीजिए सर। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।